ओके गाइस, सो क्रॉप मैनेजमेंट, प्लीज ओपन योर बुक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ, रवि और जायद। ठीक है, तो आपको इंक्यूबेशन टाइमिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, उनके एग्जांपल्स सब सॉल्व कर लिए, सबको डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक है, आज का जो क्लास है उसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्रीकल्चर का ब्रांच आपके स्कूल में ओपन हुआ, मतलब कि आप 11th के बाद एग्रीकल्चर ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? जिनको एग्रीकल्चर में कोई भी क्या होगा बेसिकली इंटरेस्ट होगा वो एग्रीकल्चर। पेज नंबर है आपका 148, प्लीज ओपन द पेज नंबर 148, ओपन करो ये पेज नंबर। चलो देखो, एग्रीकल्चर जनरली हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, जो इमेजिन करते हैं, जैसे देखते हैं हम लोग फार्मर्स को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेथड हम छोड़ दें, क्योंकि एक्चुअल में जो रियल ब्रीडिंग होती है, जिसको बोलते हैं रियल ब्रीड, जिसकी क्वालिटी हाईफाई होती है। आप लोगों ने बहुत सारे टाइप के सीड्स खाते हो, डेली आप कोई ना कोई चावल खाते हो, सबका टेस्ट अलग अलग रहता है, होता है क्या? अभी तक किसी ने रियल प्योर सीड खाया है राइस का? नहीं, क्योंकि आपके जमाने से पहले, मतलब जब आपका यहाँ पे जन्म हुआ उससे भी पहले, ये जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो पहले से आ चुका है, मतलब कि जो रियल सीड होता था वो गायब हो चुका है आज के डेट में। और आज के डेट में सिर्फ हाइब्रिड, जैसे हाइब्रिड आप फ्रूट्स खाते हो ना, वैसे टाइप का सिर्फ हाइब्रिड खाते हैं हम लोग। और ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी किसकी वजह से होता है? एग्रीकल्चर की वजह से। मेथड पढ़ने से पहले बता दूं इसका एप्लीकेशन क्या है। आप लोगों ने ग्रेप्स में सीड देखा है, ग्रेप्स का सीड देखा है, बट जो रियल ग्रेप्स आता है, रियल प्योर ग्रेप्स, उसके पास सीड होता है। अरे समझ में, जो रियल ग्रेप्स होता है ना उनके पास सीड होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी से उनको हम क्या करते हैं, सीड लेस फ्रूट में कन्वर्ट करते हैं, उनको ऐसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बनाते कि उसके जो सीड्स होते हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि कोई ऐसा प्लांट डेवलप हो सकता है जिसका बेसिकली एक पोर्शन, यानी कि ऊपर के पोर्शन में, सपोज कर लो कि टमेटो ग्रो हो रहा है, क्या टमेटो, और उसके रूट में पोटेटो ग्रो हो रहा है, दैट इज नोन एज क्रिप्टोजेनेसिस प्रोसेस। ऐसा एक क्रॉप डबल प्रॉफिट, समझ में आ रहा है? ये जो है एडवांस अभी का रिसर्च है एग्रीकल्चर का जो अभी चल रहा है। ठीक है, ये बन तो गया है, सक्सेसफुली बन गया है, बट ऐसा है कि इसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल प्रोवाइड हो रहे हैं, कुछ टॉक्सिक जेनिक सब्सटेंस बन रहा है, तो उसको रिमूव कर रहे हैं। जब ये प्रॉपर हो जाएगा तो आपको ये चीजें सस्ते में मिलेंगी, मतलब एक ही प्लांट में टमेटो भी रहेगा और पोटेटो भी रहेगा, समझ आ रहा है? यानी कि दो ऑर्गेनिज्म की जीन को एक्सचेंज करके, यानी कि मिक्स करके ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। आप लोगों ने एक ही प्लांट में डिफरेंट टाइप के फ्लावर देखे हो ना, सेम वही मेथड है ये, वो नेचुरल होता है, ये आर्टिफिशियल मेथड है, इसको आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो ये जो बनाने का प्रोसेस है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर है, ना कि ये कि जाओ खेत में देखो, ठीक है, उसको थ्रेसिंग करो, ये एग्रीकल्चर नहीं, बस उसके मेथड्स को जानना, आप उसमें क्या हेल्प कर सकते हो। जब एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर स्टूडेंट कोई ज्वाइन होता है तो वो उसके बारे में रिसर्च करता है और उसके जितने भी क्या है, जो डिसएडवांटेज है उसको एडवांटेज में कन्वर्ट करता है। पहले देखोगे, पहले का जो होता था, हालांकि मैं मानता हूँ प्योर होता था, लेकिन प्रोडक्शन रेट बहुत कम होता था, मतलब कि ऐसा कि जिसको जो फार्मर था या तो खा सकता था या तो बेच सकता था, कोई एक काम हो सकता था। लेकिन आज के डेट में इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है कि वो अपने खाने के लिए रख के भी बहुत सारा अनाज जो होता है वो क्या करता है, वो परचेज करता है, ठीक है, सेलिंग करता है। ये पॉइंट है, ओके। तो बेसिक क्या प्रॉफिट इसमें आ रहा है कि जहां पे एक एकड़ जो होता था, एक एकड़ का जो क्या होता था, एरिया होता था, वहां पे जैसे सपोज कर लो कि इसमें जनरली हो जाता है 15 क्विंटल पैडी ग्रो हो रहा है। क्या पैडी आज के टाइमिंग में, मतलब रिसेंटली पहले, ठीक है, 15 क्विंटल, तो आज के डेट में इसमें कितना हो रहा है, 13 क्विंटल ग्रो हो रहा है टू यूजेस ऑफ द एग्रीकल्चर मेथड। ये जो रोपा वाला मेथड है ये भी एग्रीकल्चर का ही एक मेथड है,
ठीक है, हंटिंग प्रोसेस आता है इसमें, बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। पहले का प्योर प्योर मेथड पता है किसी को? आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किए होंगे, प्योर मेथड जानते हो? बुआई का प्योर मेथड पता है किसी को? एनीवन, आप में से कोई जानते हो प्योर मेथड? वॉइस आ रहा है ना सबको? सब लोग गांव से बिलोंग करते हो, मुझे इतना तो पता है। ये बेमेतरा है, ये सीजी है, सीजी में ज्यादातर जो फैमिलीज है वो फार्मर्स फैमिलीज से बिलोंग करती है। तो मुझे ये बताओ आप लोगों ने एग्रीकल्चर में क्या क्या प्योरिटीज देखा? सबसे पहले जो बुआई का काम होता है, ठीक है, वो ज्यादातर आज के डेट में ट्रैक्टर के थ्रू होता है ना, एक ट्रैक्टरिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू होता है। लेकिन पहले किसके थ्रू होता है? एनिमल फोर्स, यानी कि जो एनिमल पावर है उसका यूज करके हम लोग यूज करते थे, बैल से, जो बेसिकली भैंस है उनके थ्रू क्या करते थे, कल्टीवेशन का काम देखे हो। लेकिन उससे भी पहले, ठीक है, सिर्फ सीड्स को क्या किया जाता था, ऐसे फेंक दिया जाता, आ रहे समझ में? और उसमें हल्का हल्का जो होता था, फार्मर्स अपने हाथों से या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से क्या करते थे, उसको क्रॉपिंग करते। ओके, ये पहले चलता। पहले का जो सीड होता था वो बहुत ही ज्यादा प्योर होता था, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव लेवल रहता था। लेकिन आज के सीड में ये देखा गया कि सबसे ज्यादा फर्टिलाइजिंग एजेंट्स पाया जाता है, जो आपकी बॉडीज को, ठीक है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रोजनेटेड करता है, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग एंगल से इफेक्ट डालता है। पहले का जो लिविंग टाइमिंग था, सर्वाइविंग टाइमिंग था, वो होता था 100 to 110 ईयर्स का। इंसान इतना तो जी ही जाता था, सरवाइव कर लेता था। और आज का कितना है? 60 to 80 ईयर्स ओनली, ईयर्स ईयर्स। देखो कितना कम हो गया, ये सारी चीजें हम लोग खा खा के कितना कम हो गया। 14 ईयर्स का जो टाइम गैप है वो खत्म हो गया, 40 साल खत्म। जो अभी हम लोग फर्टिलाइजर के जो थ्रू यूज कर रहे हैं ना, जो केमिकल यूज कर रहे हैं, वो सब आज के डेट में जब मार्केट जाते हो कोरिएंडर लेने के लिए, धनिया लेने के लिए, तो लेके आते हो, उसमें बताओ मुझे क्या उसमें स्मेल होता है स्पेशल वाला जो रियल में रहता है? नहीं, मतलब वो क्या है, वो हाइब्रिड है, रियल तो अलग होता है। रियल का अगर हल्का सा पत्ता भी अगर ऐसे रस हो जाए ना, तो उसका स्मेल पूरे घर में गूंज जाएगा, इतना रहता है क्वालिटी उसका, और वो टेस्टी भी रहता है। लेकिन अभी का टेस्टी नहीं रहता। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या हम लोग लॉस कर रहे हैं, क्या हम लोग पा रहे हैं? हम लोग अपना पूरा एज खत्म कर दिए इस चक्कर में, जितने हैं टॉक्सिजेनिक मटेरियल्स को यूज करके। हालांकि इसके मेथड अच्छे हैं, लेकिन जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो सब इसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। तो बेटर है होम गार्डनिंग। होम गार्डनिंग जानते हो, टेरिस गार्डनिंग, होम गार्डनिंग, ये बेस्ट मेथड होता है। सिंपल ग्रो करना सीखो, कुछ ऐसे इसेंशियल रिक्वायरमेंट जो आप डेली यूज करते हो, कम से कम उसको आप ग्रो करो, ठीक है। जैसे कोरिएंडर है आपका, फेनुग्रिक है, लिप्स है, इन सबको आप ग्रो कर सकते हो, स्पिंच है, ओके, ये सारी चीजें हैं। चलो मेथड सब डिस्कस कर रहा हूं मैं, देखो एप्लीकेशन समझ में आ गया क्यों यूजफुल है। अब आप लोग जब एक बेसिकली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनोगे, तब आप लोग बस प्योर ब्रीड को छांटना। और ये प्योर ब्रीड कहाँ रहे आज के डेट में पता है किसी को? मंदिरों, मंदिर जानते हो सब लोग? तो मंदिरों में क्या होता है, जो बेसिकली यहाँ के भी सीजी में भी बहुत सारे होते हैं, कलश जानते हो? कलश, जो पुराने कलश होते हैं ना, उनमें सबसे पहले जो राजा महाराजा जो भी उसका स्थापना करते थे ना, वो उस टाइम के सबसे क्वालिटी वाले जो सीड होते थे उनको रखते थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टेम्पल है जहां पे इन अनाजों को स्टोर करके आज के डेट में भी रखा गया है, ताकि इन फ्यूचर इसका यूज हो तो उसका भी क्या हो, कल्टीवेशन किया जाए। लेकिन हम लोग उसका कल्टीवेशन नहीं करें, क्योंकि हम लोग को वो नहीं चाहिए, हम लोग को ऐसा चाहिए जो पैसे दे। तो उसके लिए फिर क्या यूज करेंगे, केमिकल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ये है कि कंडीशन इसका क्यों यूज हुआ, क्योंकि भुखमरी छाई हुई थी पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अनाज सब जगह नहीं मिल सकता। समझ में आ रहा है पॉइंट सबको? क्योंकि एक फार्मर जो ग्रो करता था वो सिर्फ उसकी फैमिली के लिए हो जाता था, ओके, बाकी को वो सप्लाई नहीं कर सकता था। लेकिन आज के डेट में एक फार्मर अपने लिए के छोड़ अपने 10 परिवार के लिए, ठीक है, ऐसे 10 परिवारों के लिए क्या कर सकता है, पर्याप्त एक साल का अनाज कंडक्ट कर सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। बट आज के डेट में फर्टिलाइजर का इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसको वो क्या कर रहा है, फैल कर रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी को वो क्या कर रहा है, बेसिकली इनहेल कर रहा है, पॉइजनस कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। चलो देखो मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सा मेथड यूज होता है, मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर।
तो इसका फर्स्ट मेथड है गाइस, देखो फर्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ द लैंड, सिलेक्शन ऑफ द लैंड। बी ऑप्शन इज नेक्स्ट स्टेप क्या है देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और लैंड। थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सीड ट्रीटमेंट, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सीड ट्रीटमेंट। डी ऑप्शन, सोइंग ऑफ द सीड यानी कि बुआई का काम, sowing of seed। Okay, then manures and fertilizer। चलो इतना ऑप्शन आज हो जाएगी कंप्लीट। Okay guys, तो फर्स्ट स्टेप जो है देखो, बेसिकली द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ द लैंड। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी फार्मर होता है वो किसका सिलेक्शन करता है, लैंड का सिलेक्शन करता है। अब आपको पता है कि सीजी में जो लैंड होता है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ज्यादातर जो होता है ब्लैक सॉइल वाला मिलता है, ठीक है, ब्लैक ब्राउन वाला भी मिलता है, ब्राउन सॉइल मिलता है, ठीक है, एक को बोलते हैं सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल मिलेगा, एक होता है क्ले, क्ले मिलता है, क्ले की कंडीशन। ये बेसिक क्या है, बेसिक टाइप्स है, ठीक है, ब्लैक सॉइल आपका सैंडी सॉइल, ठीक है, सैंडी ब्लैक सॉइल, सैंडी ब्राउन सॉइल, ब्राउन सॉइल एंड क्ले, और ये बहुत सारे मिक्सअप में मिलता है, लेकिन मेनली थ्री होते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग अलग अलग क्या यूज करते हैं हम लोग, क्रॉप्स यूज करते हैं, अलग अलग फसल यूज होता है। जैसे पैडी है तो पैडी कभी भी सैंडी सॉइल में ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि पैडी के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो हमें एक ऐसा सॉइल चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक वाटर को होल्ड करके रख सके। आ रहा पॉइंट समझ में, किसको होल्ड करे, वाटर को होल्ड करे। अब जैसे मैं थ्री इक्विपमेंट बना रहा हूं, जनरल समझना, थ्री इक्विपमेंट है देखो, जैसे सपोज ये वन, ये टू एंड ये थ्री है, इसमें लगाया मैंने फनल, फनल, ठीक है ये। अब सपोज करो इसमें मैंने डाला ब्लैक सॉइल, इसमें डाल दिया सैंड, ठीक है, और इसमें डाल दिया क्ले, थोड़ा सा अजीब सा रहता है ये क्ले, ओके। अब इसमें मैं वन समझ कर लो 50 ml वाटर को इसमें ऐड कर रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ, सब में 50 ml ऐड कर दिया। आफ्टर वन आवर हम लोग चेक करेंगे इसमें कितना वाटर होल्डिंग हुआ, ठीक है। आप देखोगे कि ये जो क्ले सॉइल है, ठीक है, ये वाला बीकर है, जैसे ये क्या है, ब्लैक सॉइल है, ये आपका सैंडी सॉइल है, ये आपका क्ले है। तो आपका जो सैंडी सॉइल होगा, ये वाला सैंडी सॉइल, मुझे एक बात बताओ, रेन में पानी कितने टाइम तक रुकता है, रुकता है, पानी डालोगे रेत में वो तो तुरंत क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट होके नीचे चला जाएगा ना, मतलब कि पूरा का पूरा पानी कुछ ही मिनटों में, घंटे का टाइम नहीं लगेगा। After some time, they are the left and collect inside the bottom. यहाँ पे आके collect हो जाएगा, ठीक है। क्ले में क्या होगा, क्ले में थोड़ा सा वाटर रुकता है, बहुत ज्यादा नहीं, और इसका भी मैक्सिमम पोर्शन आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाए। बट जो ब्लैक सॉइल होता है वो बहुत कम सॉइल्स के वाटर लेवल को ही क्या करेगा, आपका यहाँ पे होल्ड करेगा, बाकी जितना है वो सब के सब क्या हो जाएगा, उस सॉइल में क्या हो जाएगा, होल्ड करके रखे रहे। मतलब कि ब्लैक सॉइल जो होता है वो आपके पल्टी प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट होता है, जो वाटर को डायरेक्ट क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। इसलिए जो काली मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा टाइम तक क्या रहती है, गीली रहती है। पॉइंट समझ में आ रहा है, रेत गीला रहता है क्या, पानी डालोगे दो घंटे बाद ऐसे करके देखना सूख जाएगा, ठीक है। तो हमें सिलेक्शन किसका करना है, ऐसे बेसिस पे सिलेक्शन होता है। किसान को पहले ही पता है कि कैसा मिट्टी किसके लिए यूज होता है, लेकिन आज की डेट में इतने वैरायटीज की मिट्टियां आती है, सॉइल्स आती है, कि उनके एग्रीकल्चर मेथड से हम लोग ऐसा सिलेक्ट करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पीएच लेवल, मॉइस्चर लेवल, हर एक चीज को चेक करने के लिए अलग अलग मेथड और कॉन्सेप्ट। अरे समझ में,
तो भाई जो जितना ज्यादा पानी रोक सकेगा उसमें वो पैडी का प्लांट उतना ही ज्यादा क्या होगा, ग्रो होगा। तो आपका इसके लिए क्या यूज होता है, सुटेबल कौन सा होता है आपका, ब्लैक सॉइल। क्लियर। ये जो सैंडी सॉइल है या सैंडी ब्लैक सॉइल होते हैं ना, ये सब ऐसे प्लांट्स के लिए होते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर बहुत कम पानी पे ग्रो होते हैं। ठीक है, जैसे आपका सोयाबीन का है, ठीक है, जैसे आपका ग्रीन ग्राम है जिसको अरहर बोलते हैं, ये सारी चीजें इनके लिए यूज। ठीक है, आप लोग देखना जब आप खेतों में जाओगे घूमने ना, तो खेतों को जनरली लोग दो तीन हिस्सों में बांट दिया रहता है, एक को अलग लेवल बोलते हैं, एक को दूसरा लेवल बोलते हैं। एक में पूरा क्या रहेगा, पूरा का पूरा पैडी पैडी ग्रो रहेगा, धान ही धान रहेगा। तो दूसरे एरिया में जाओगे तो आपको ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, ये सारी चीजें दिखेंगी, है ना। और उसका पहले कटाई करते उसके बाद पैडी का होता है। आप लोगों ने देखा ये सॉइल, देखना दोनों का अलग अलग टाइप का सॉइल होता है ना। तो ये होता है पहला सिलेक्शन आपका, सिलेक्शन ऑफ द लैंड। ओके, लैंड का सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। देखो इसके अकॉर्डिंग फॉर मैक्सिमम यील्ड फार्मर सेलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट लैंड वेयर द सीड मे जर्मिनेट एंड ग्रो इजिली एंड ऑल्सो वेयर इट कैन गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एयर। तो ऐसे लेवल पे जिसमें वाटर लेवल, एयर लेवल, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये सारी अच्छे से होल्ड करे, उस लेवल पे उस सीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, लैंड को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, इनके बीच में बहुत सारा गैप रहता है हल्का हल्का, जिससे होके क्या होती है, एयर्स उसके अंदर जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं जाता लेकिन जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स है सिलेक्शन ऑफ सीड। हाँ, ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो गाइस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और लैंड। अब लैंड एंड सॉइल का प्रिपरेशन करते कैसे करते हैं, जैसे हमें करना है क्या, हमें करना है प्लॉगिंग, सोविंग का काम करना है, धान की बुआई का काम करना है। इसका मतलब बुआई होता है ना सोविंग, याद रखना, लिख लो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हिंदी में अच्छे से पता है हम लोग, बुआई, कटाई, मिंजाई, लेकिन इंग्लिश वर्ड बहुत टफ रहता है। जैसे ये सोविंग, सोविंग का मतलब है बुआई, बुआई का काम करना है, बुआई समझ रहे हो। जर्मिनेटिंग, जर्मिनेशन जानते हो, सीड्स को मिट्टी में डालना, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस। तो सोविंग का मतलब है जर्मिनेशन। ठीक है, ओके। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड लैंड, जैसे ही फार्मर्स का लैंड सेलेक्ट हो जाता है, सबसे पहले फार्मर जाता है खेतों में, और खेत में जाने के बाद क्या करता है, डांस तो नहीं करता होगा, क्या करेगा, बेसिकली जितने भी क्या होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन होता है, जो आपका वीड्स होते हैं, अलग अनवांटेड जो ट्रीज होते हैं, उन सबको काट के वहां से निकाला जाता है। देखे हो गए, फसल को बुआई से पहले यानी शोविंग से पहले क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो खेत को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कहीं पे क्या हुआ है, जो खरपत है बड़े, जैसे कि बबूल का ज्यादातर प्लांट आता है सीजी में, तो उनको क्या करते हैं, उखाड़ के फेंकते हैं। साइड जो होता है जिसको मेड़ बोलते हैं, उनको क्या करते हैं, बाउंड्रीज को अच्छे से क्लीन और साफ करते हैं। उसके बाद जब ये पूरा क्लियर हो जाता है, तब उसका बेसिकली जो कल्टिवेशन है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऐसे प्लॉक्स यूज करते हैं, जिसको जुताई बोलते हैं, सोविंग बोलते हैं। देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, सिलेक्शन ऑफ लैंड के बाद है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और लैंड। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंड प्रिपरेशन, लैंड प्रिपरेशन के फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, द फार्मलैंड इज प्लॉगेड, फार्मलैंड इज प्लॉग्ड। प्लॉग्ड का मतलब है कि उसको क्या किया जाता है, जोता जाता है, प्लॉगिंग करना, जोतना, याद रखना, हाईलाइट करके लिख लो उसके नीचे, याद रहेगा हमेशा। ठीक है, प्लॉगिंग। सो फॉर दिस सिंपल ट्रेडिशनल प्लॉग, ओके, और द सॉइल ओवर टर्निंग प्लॉग इज यूज। देखो भाई कैसा है, सिंपल सा है, सिंपल प्लॉग। देखे आप लोग जो एशियन टाइम से चलते आ रहा है, ऐसा प्लॉग रहता है। ठीक है, ये प्लॉग देखे हो कि नहीं देखे तुम, जिसको बोलते हैं सिंपल प्लॉग, जिसको हम लोग बोलते हैं हल, सीजी के लैंग्वेज में बोलते हैं इसको नांगर। हाँ, अच्छा, इसको नांगर बोलते हैं, इतना पता है मुझे,
ठीक है, तो सब लैंग्वेज याद रख लो क्योंकि आगे जाके आपको कंपटीशन फाइट करना है, वहां पे सीजी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं प्लॉग है ये, ठीक है प्लॉग है ये, इसी को क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं हिंदी में, और क्या बोलते हैं सीजी में, नांगर बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सिंपल ट्रेडिशनल मेथड, जो आदि काल से चलते आ रहा है, एशियन टाइम से चलते आ रहा है। प्लॉगिंग करने के लिए एनिमल पावर का यूज करके इसको क्या करते हैं, प्लॉगिंग करते हैं। अरे समझ में कि नहीं करते? ओके, क्लियर है सबको गाइस ये? हाँ, तो इसको बोलते हैं जनरल ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मतलब जो हमारा क्या है, पारंपरिक स्रोत है, जो बनते आ रहे हैं परंपरा के अकॉर्डिंग, हम लोग इसका पूजा करते हैं, ना कि जो बेसिकली ट्रैक्टर का वो रहता है उसका, ट्रेडिशनली पूजा इसका होता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखो, तो इसको बोलते हैं सिंपल ट्रेडिशनल प्लॉग, ये सिंपल ट्रेडिशनल प्लॉग है। एंड द ट्रेडिशनल प्लॉग ओनली क्लीव्स थ्रू द लैंड, बट द सॉइल टर्निंग प्लॉग नॉट ओनली क्लीव्स बट ऑल्सो टर्न द मड आउट। ये क्या करता है, ये जो प्लॉग होता है, यहाँ पे मेटल का एक क्या लगा रहता है, एक नेल्स लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, देखे हो सब लोग, एक प्लेट लगा होता है जिसकी हेल्प से मिट्टी को फाड़ा जाता है, मतलब समझ लो चीरा जाता है उसको, और चीरने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उस पर कवर होता है, वो ऐसा ओपन नहीं होता, उसको क्या किया जाता है, कवर हो जाता है, वापिस से उसके अंदर चला जाता है। तो ये मेथड जब यूज करते हैं तो सोविंग का काम, यानी कि सिंचाई का जो काम होता है, बुआई का काम, उसको पहले कर लेते हैं। पहले खेतों में क्या करते हैं, सीड को बो दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर क्या एक किया जाता है, प्लॉगिंग, उसके बाद नागर चलता है, तब जो होता है सीड जो होता है उसको अंदर क्या किया जाता है, उसको जर्मिनेट करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अदरवाइज फिर उस टाइम एक और होता है फैक्टर, इफेक्टर जिसको बोल सकते हैं, फार्मर्स इनेमी, ठीक है, बर्ड्स आती है फिर उस टाइम, ठीक है, मंकीज आते हैं उस टाइम, फिर क्या करते हैं, सीड्स को पकड़ पकड़ के खाते हैं, देखो कि नहीं देखे, तो एक बंदा प्रॉपर वहां पे बैठाना पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है आज के डेट में, ऐसा है कि प्लॉगिंग के बाद जो बंदर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ओपन करके खा जाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज वो एक एकड़ के लिए अगर कवर किया है, ठीक है, एक एकड़ के लिए उसको कवर कर रहा है, तो क्या होता है, वो उससे ज्यादा बंदर जो होते हैं वो खा जाते हैं, क्योंकि बंदर एक नहीं आता, पूरा का पूरा टीम आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, देखो नेक्स्ट आया है सॉइल ओवर टर्निंग प्लॉग, जो ऐसा दिक्कत थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, इसको बोलते हैं सॉइल ओवर टर्निंग प्लॉग। अब इस प्लॉग के ऊपर में यहाँ पे एक ऐसा शेप लगा रहता है, स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसका होल यहाँ से रहता है, ओके, और यहाँ पे ऐसा सीडिंग प्रोसेस रहता है। हम लोग सीड्स को इसमें डालते जाते हैं, मतलब इसमें दो फार्मर की जरूरत पड़ती है, एक जो क्या कर रहा है, जो इस प्लॉग को चला रहा है, और एक उसमें कंटिन्यू क्या डालते रहता है, सीड डालते रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे कुछ और स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है जो मिट्टी को ओपन करने के बाद तुरंत क्लोज करता है। ठीक है, और ये थर्ड टाइप का, ये सिंपल प्लॉग है ना, थर्ड टाइप का देखो जो दिया है आपका, सोइल टर्निंग ओवर टर्निंग प्लॉग। सोइल ओवर टर्निंग प्लॉग मिट्टी को ऐसे ओपन करते हुए जाता है, ठीक है, ओपन करते हुए जाता है। तो ये दो जो दो है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल प्लॉग, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये क्या है, ट्रेडिशनल प्लॉग। ठीक है, कल पूछूंगा बेटा, कल फिर ना अच्छे से पनिशमेंट मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये आपका ट्रेडिशनल प्लॉग हो गया, याद रखना ये एडवांस नहीं है, ये सब ट्रेडिशनल है। अब बात करते हैं एडवांस और मॉडर्न प्लॉग के बारे में। तो देखो आपका जो नीचे दिया है, देखो कल्टीवेटर एंड हैरो, हैरो, ठीक है, कल्टीवेटर एंड हैरो, नेम याद रखना इंपॉर्टेंट है, कल्टीवेटर एंड हैरो, ये सारे ट्रैक्टर्स की हेल्प से, यानी कि एडवांस मशीन की हेल्प से चलता है। सो आफ्टर द पैडी क्रॉप द लैंड बिकम मच हार्ड फॉर द रबी क्रॉप्स टू प्रिपेयर दिस लैंड, ट्रेडिशनल प्लॉग इज नॉट सफिशियंट फॉर दिस ट्रैक्टर और पावर रन कल्टीवेटर रोटेटर और हैरो इज यूज्ड। अब देखो कुछ जमीन ऐसे होते हैं जो इसमें क्या होता है, नांगर यानी कि जो आपका प्लॉग है वो चल नहीं पाता, समझ में आ रहा है, क्योंकि जमीन या तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सख्त रहती है, तो भाई वो एनिमल पावर से चल रहा है, कुछ टाइम तक चलेगा, एनिमल को अच्छा नहीं लगेगा तो रुक जाएगा, होता है ना ऐसे, फिर ना वो ऐसा सर पकड़ के बैठ जाता है, तू मार ले या कुछ कर ले मैं उठूंगा ही नहीं, ऐसा पॉइंट देखा गया है। तो ऐसे जब क्या है, सफिशियंट है ही नहीं, वो लैंड जो है वो प्लॉग के लिए सफिशियंट ही नहीं है, क्योंकि अगर लैंड जो होगा
प्रॉपर वेटी रहेगा, गीली रहेगी, तभी वो उस पर क्या होगा, ट्रेडिशनल प्लॉग चल पाएगा। अदरवाइज जब उसमें हम लोग को क्या करना है, प्लॉगिंग करना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्रेडिशनल को छोड़ के एडवांस मेथड, मॉडर्न मेथड का यूज करते हैं, जिसमें आपका कल्टीवेटर, देखो जो सी में दिया है एग्जांपल, देखो कल्टीवेटर और बेसिकली हैरो इसका यूज होता है। ठीक है, कल्टीवेटर एक बेसिकली इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर का क्या लगा रहता है, प्लॉग लगा रहता है। इसका नंबर जनरली याद रखना 9+2 के फॉर्म में रहता है, या तो 9 रहता है या तो 11 रहता है, समझ में आ रहा है, पता है कि नहीं है, या तो 9 शेप का रहता है, ऐसे प्लॉग लगा रहेगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 रहता है, या तो फिर बहुत बड़ा 11 का रहता है। ये प्लॉग्स होते हैं, एक एक ट्रैक्टर में नहीं देखे हो क्या, ट्रैक्टर में रहता है ना ये प्लॉग, उसको क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। ओके, तो इस कल्टीवेटर का यूज करते हैं, जो ट्रेडिशनल प्लॉग से इसके टाइमिंग को कितना लेता है, 1 से 2 आवर्स का टाइम लेता है, वही ये जो ये जो मॉडर्न वाला है वो कितने टाइम में कवर कर देता है, जस्ट 35 मिनट्स या 30 मिनट्स, हाफ एन आवर का टाइम होता है इसको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, और दूसरा जो है देखो प्लॉग शेयर में है हैरो। इसका जो यूज है वो बेसिकली हम लोग मिट्टी का स्पेशल शेप बनाने के लिए यूज करते हैं। मिट्टी का शेप मतलब कि जब हम लोगों को कल्टीवेशन करना है वेजिटेबल्स का, तो वेजिटेबल्स के लिए फॉर्म्स में ऐसा लाइनिंग बनाते हैं, देखे हो गया, ऐसा डाउन रहता है, ये क्या बोलते हैं इसको, मादा, सीजी में इसको मादा बोलते हैं ना, एक लेवल बनाते हैं ऊपर, इसके ऊपर फिर क्या होता है, इसके ऊपर सॉइल का एक, जैसे सॉइल को इसे कवर नहीं करते, टीरा बोलते हैं शॉर्ट में, वैसे बनाया जाता है। तो ये जो होता है ये डायरेक्टली ये बनाता है, प्लॉग शेयर जो बन है ना वो बनाते हैं। तो इसके ऊपर फिर क्या होता है, जो प्लांट्स है, जो वेजिटेबल्स प्लांट्स है उसको लगाते हैं, और इनके थ्रू क्या होता है, वाटर फ्लो होता है। ओके, तो ये सारी चीजें, तो दो ट्रेडिशनल और दो मॉडर्न, दोनों याद रखें। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एडवांस और प्लॉगिंग। एडवांस और प्लॉगिंग क्या है, एडवांटेज क्या है प्लॉगिंग का, सोइल बिकम लॉसेस सच लूज सच दैट इट्स कैपेसिटी टू रिटेन वाटर एंड एयर इंक्रीज ड्यू टू विच रूट्स डेवलप फास्टर। देखो इसको एक्चुअल में जो प्लॉगिंग है उसको यूज क्यों करते हैं, ताकि जब मिट्टी सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली उसको टीयरिंग करते हैं, ठीक है, जब उसको प्लॉगिंग करते हैं, उखाड़ते हैं, तो उससे होता क्या है, जब बारिश होती है तो अगर जैसे सरफेस है, आप लोगों ने देखा होगा जमीन को अगर हम लोग ऐसे कवर कर दे पानी से, तो बह जाता है, अंदर जाता है क्या, नहीं, लेकिन अगर उसी को उखाड़ दे तो क्या होता है, जो वाटर होता है वो प्रॉपर अमाउंट में अंदर चला जाता है। तो वाटर को होल्ड करने के लिए जनरली इस मेथड का यूज करते हैं, ताकि जो आपका सीड है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो सके, जर्मिनेट हो सके। पॉइंट आ रहा समझ में, ठीक है, एयर को प्रॉपर मिक्स करने के लिए, एयर जो होगा उसको प्रॉपर मिक्स करने के लिए, उसके अंदर जितने भी इंसेक्ट होंगे उन सबको बाहर निकालने के लिए ये सब करते हैं। और जैसे ही इसका काम होता है, देखना बहुत सारे जो क्या होते हैं आपके बगुले होते हैं ना, वो सब फॉर्म्स में आ जाते हैं, और जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन सबको खाना स्टार्ट कर देते हैं। अरे पॉइंट समझ में, तो ये जो प्लॉगिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एडवांटेज है ये याद रखना। द लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ अर्लियर क्रॉप्स एंड ग्रास एटसेट्रा मिक्स्ड विद सॉइल एंड बिकम मैन्योर फॉर द सॉइल। अब पहले से ही जो फसल लगा हुआ है उसमें, ठीक है, अब फसल जो लगता है उसको जड़ से तो नहीं निकालते, कटिंग ही होता है उसका, तो जो पहले ही उसका रूट उसके अंदर है उसको क्या करते हैं, पूरा को पूरा रिमूव करते हैं। मतलब जब प्लॉगिंग होता है तो ऊपर नीचे आ जाता है वो, इससे होता क्या है, वो जमीन के अंदर जाके सड़ जाती है और क्या बन जाता है, मैन्योर, समझ में आया, मतलब खाद बन जाता है, तो ये भी प्रॉफिट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, डिजीज क्रिएटिंग इंसेक्ट, जो डिजीज करता है किसमें, प्लांट्स में। डिजीज क्रिएटिंग इंसेक्ट वॉर्म्स एंड देयर एग्स आर एक्सपोज एंड आर इनएक्टिवेटेड इन द सनलाइट। वो डायरेक्ट जो जमीन के अंदर में जितने भी क्या होते हैं, जो वॉर्म्स है, कीड़े हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स है, वो सब अंदर रहता है, जब प्लॉगिंग होता है सब ऊपर आ जाता है, और फिर उसको बर्ड खा जाती है, सनलाइट से मैक्सिमम क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, तो डिजीज कॉजिंग होता ही नहीं है। नेक्स्ट जो क्रॉप फ्रेंड्स, क्रॉप फ्रेंड एज अ अर्थवॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लो, क्रॉप फ्रेंड एज अ अर्थवॉर्म मल्टीपेंड बैक्टीरिया एंड फंगी गेट द फैसिलिटी टू डेवलप फर्दर एंड दस दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, ऐसे प्रोसेस करने से जो फार्मर फ्रेंड्स होता है, जिसको बोलते हैं अर्थवॉर्म, हिंदी में बोलते हैं इसको केचुए,
ठीक है, उनकी रेट काफी इंक्रीज होती है, वो ऊपर आता है और फिर जमीन के अंदर चला जाता है और फंगस और बैक्टीरिया को खाना स्टार्ट कर देता है। जितना ज्यादा खाता है उतना ज्यादा वो रिमूव करता है, और उसका रिमूवल ही क्या होता है, प्लांट के सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, पता है ना, अर्थवॉर्म जो बनाता है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फर्टिलिटी फर्टिलाइजर एंड मैन्योर मिक्स्ड विद द सॉइल बिफोर प्लॉगिंग गेट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एक बात आप लोगों ने देखा होगा कि जमीन को जनरली बुआई से पहले क्या करते हैं, जो खाद होता है जिसको नेचुरल मैन्योर बोलते हैं, नेचुरल मैन्योर को क्या करते हैं, खेतों में बिछाया जाता है। गर्मी के दिन में देखना, ट्रैक्टर ले जाके क्या करते हैं, खेतों में ना खाद को डालते हैं पहले, उसके बाद उसके ऊपर जब प्लॉगिंग होता है तो वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और मिक्स होके क्या होता है, प्रॉपर जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये सारे एडवांटेज किसके होते हैं, सिर्फ प्लॉगिंग के होते हैं, तो ये एडवांटेज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, वुडन ब्लॉक्स और होरो फ्रैंक बोलते हैं, ठीक है, कवर करने के लिए यूज करते हैं, जल्दी सेपरेट करने के लिए। आफ्टर प्लॉगिंग द सॉइल इन द फील्ड मे हैव बिग लंप्स, सो बिफोर सीड सोविंग द इरिगेशन द लंप्स आर टू बी लेवल्ड फॉर दिस वुडन ब्लॉक्स इज यूज्ड। देखो, जब प्लॉगिंग होता है तो मिट्टी जो होता है बहुत ज्यादा अप डाउन आ जाता है, यानी उबड़ खाबड़ वाली कंडीशन बन जाती है, तो क्रॉपिंग से पहले उसको प्रॉपर करने के लिए ये जो आपको दिख रहा है वुडन ब्लॉक, उसका यूज करते हैं मिट्टी को लेवल करने के लिए। समझ में आ रहा है? अब ऐसा नहीं कि इसको मारना स्टार्ट करते हैं, इससे बस लेवल करते हैं। लेवल करने से क्या होता है, जो बड़े बड़े क्या होते हैं, जो सॉइल के जो पोर्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और एक प्रॉपर मेंटेनेंस में आ जाता है इससे, जब या फिर ज्यादातर क्या होता है, हम लोग इरिगेशन स्टार्ट कर देते हैं, इरिगेशन मतलब पानी के फुहारे स्टार्ट कर देते हैं, उससे भी क्या होता है, जमीन में वो क्या होता है, पूरा लेवल पे आ जाता है। देखे हो गए?